नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं प्रदीप जैन आप सभी का हमारे YouTube चैनल चॉइसेस ऑफ प्रदीप भारती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से हम हर वीक आपको नए नए ट्यूटोरियल, नए नए इंटरटेनमेंट, फिटनेस, ट्रैवल के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका सेविंग हो। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपना टैक्स खुद कैसे भरें और सेव लॉट ऑफ मनी, तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि टैक्स कैसे भरें। तो सबसे पहले जब हम इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov पे जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी विंडो दिखती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इजी वाले से बात करेंगे तो इस पर क्लियर लिखा हुआ है यू कैन फाइल ITR 1 फॉर ईयर 2020-2021। तो जिसकी सैलरी से इनकम है, पेंशन से इनकम है, जिसका मकान एक मकान से इनकम है, और अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, FD से इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम और 50,00,000 से इनकम टोटल इनकम है, वो ऐसे रेसिडेंट भर सकते हैं। तो इसमें हम और भी बताएंगे आगे कि NRI को इसमें क्या करना है, आगे कैसे करना है, NRO के लिए क्या करना है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक इजीएस्ट वे से। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये आप साइट पर जब जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बहुत इजी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब इसमें क्लिक करके दबाएंगे यहाँ पे, तो आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल करके ओके कर दीजिए, तो ऐसी आपको विंडो आ जाएगी जहाँ पैन कार्ड आपको देना है, नाम देना है, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप रेसिडेंस है तो रेसिडेंस स्टेटस डाल दीजिए, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंस डाल दीजिए। तो जब आप ये करके कंटिन्यू करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे जहाँ आपका एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर पूछेगा, वहाँ फिर तीसरा वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तब आप इसमें बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंटर है मेरा ऑलरेडी, तो हम इसमें यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन में मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है यहाँ पे TTGDMG, ये डाल के यहाँ पासवर्ड डालिए, कैप्चा बर्ड डाल दिए और इसको लॉगिन कर सकते हैं हम यहाँ से। जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो कुछ ऐसी विंडो आती है, तो यहाँ से हम ई फाइल में जाएंगे। हम देखिए दो तरीके रहते हैं ई फाइल रिटर्न करने के, एक तो डाउनलोड में जाके आप ITR 1 डाउनलोड कर लें और उसको फिल करके अपलोड कर लें, लेकिन ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं और आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने 13-14 हज़ार रुपये कैसे बचाया हुआ है अभी। तो हम ये ई फाइल में जाएंगे, यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे यहाँ पे। जब आप इधर पे जाएंगे तो मैंने एक ऑलरेडी ड्राफ्ट बना के रखा था आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये हम बताएंगे कि ये हम चलो फ्रेश भर रहे हैं। फ्रेश भर रहे हैं तो आपके ऊपर पैन नंबर आ जाता है, 2020-21 आ जाता है, ITR Form 1 आप सेलेक्ट कर लीजिए, 2, 3, 4 में मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है क्या है। और ये हम ओरिजिनल भर रहे हैं या रिवाइज भी आप भर सकते हैं, कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो जिसको भी भरना है उसके पहले करिए। और यदि कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे डालिए, ये बीट में मैं लिंक भी भेज दूंगा। देखिए अपलोड XML, यदि आप डाउनलोड वहाँ से करते हैं भरते हैं तो ऐसा अपलोड XML का फाइल रहता है, उसको हम सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं ख़त्म। लेकिन अभी हम यहाँ पे सबमिट ऑनलाइन करेंगे। जब आप ऑनलाइन जाते हो तो ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है, भाई आप ITR 1 तो भरने जा रहे हो भैया, लेकिन आपके पास ये सब डिटेल होना चाहिए, तो इसको जस्ट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बिना भी भर सकते हैं। तो कंटिन्यू हम करेंगे तो यहाँ फिर ये बोल रहा है कि अभी जो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में आपको प्री फिल्ड आपकी सीट आ जाती है, मतलब भरी भराई सीट आपके पास जो डिटेल हैं इसमें आ गए हैं, लेकिन उन डिटेल को वो चेक करने की बोल रहा है कि कई बार उनमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए आप उन डिटेलों को भी चेक कर लें, ठीक है। तो इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है इसके कि आप बैक बटन में नहीं दबाइए, आप डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में डालिए, सेव ड्राफ्ट करते जाइए, आपको ऐड करना है तो आप ऐड करते जाइए रो, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीव्यू और सब ये सेव ड्राफ्ट, बीच बीच में आप इसका अपन यूज करेंगे। अब मैं आता हूँ आपके पास में एक जो मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट सेव करके रखा हुआ था, तो मैं इसको एक मिनट के लिए लॉगआउट कर देता हूँ। तो क्योंकि हम लोग फिर जो ड्राफ्ट अपन ने सेव किया ना उसी पे हम लोग बात करते हैं, है ना, क्योंकि अभी सेम चीज़ खोलेंगे अपन तो खुलेगी नहीं।
ठीक है, इसको मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। और एक हमने जो ड्राफ्ट था उसको हम एक सेकंड लगे 1714JH3, तो हम इसको चले जाते। तो हमने एक ड्राफ्ट ऑलरेडी देखिए सेशन बता रहा है, लॉग आउट कर रहा है, कोई नहीं, हम यहाँ से लॉग इन कर लेंगे वापस में, सिर्फ कैप्चर डालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी पहले से ही इसमें सेट कर रखा है 7MBB, क्योंकि 15 मिनट का विंडो रहता है, अब बीच बीच में सेव करके यदि काम नहीं करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ हम जब बताए थे ई फाइलिंग रिटर्न में जाएंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राफ्ट सेव कर रखा था, तो इस ड्राफ्ट को मैं खोलूँगा। असेसमेंट ईयर में देख लेंगे आप, 2 तारीख को मैंने बनाया था ये, और ये सेम चीज़ है कि भाई सबमिटिंग के पहले फॉर्म अच्छे से देख लें, प्रीफिल्ड डाटा रहते हैं। तो ये प्रीफिल्ड डाटा देखिए, मेरा ये इंस्ट्रक्शन वाली सीट थी जो अभी देख रहे थे, इसे पार्ट 1 जनरल इन्फॉर्मेशन आती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे ये जो देख रखे हैं मैंने, कुछ भी आप नंबर लेके डाल सकते हो, तो करेक्ट ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपना सही डालना, क्योंकि ये डाटा सब में पब्लिक होगा, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ओरिजिनल नहीं डाली हैं इसमें। तो आप इधर ईमेल डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और अपने ये छोटे छोटे डिटेल देखिए, कहाँ प्लेट नंबर, ये सब डाल देंगे आप। यहाँ पे जब आप आते हैं इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ फील्ड को सेलेक्ट कर दीजिए, आधार नंबर, कोई दिक्कत नहीं, मत डालिए आप, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, जहाँ स्टार नहीं है उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जब हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये पूछता है हमको ऑन आर बिफोर ड्यू डेट बिलेटेड रिवाइज्ड, तो अभी हम इसको ऑन आर बिफोर ड्यू डेट डालते हैं, क्योंकि ये 30 नवंबर तक है। अब इस बार से जो 131A है, इसमें एक नया रूल आ गया है। यदि आपने 1 अप्रैल से लेके बीच में सितंबर तक के पैसे में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, जो नीचे आएगा आपको डिटेल में, तो आप इसको यदि यस करते हैं, या आप ने 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, या आप 2 लाख से ऊपर का आपने ट्रेवल किया है, या आपने अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख या उसके ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंजम्पशन किया है, तो जब आप इसको यस कर देंगे ना, तो यहाँ सब पैसे आपको भरना पड़ेंगे। तो हमारा केस ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ नो करेंगे, तो ये अपने आप आपको फेड हो जाएगा, भरने की ज़रूरत नहीं थी, ये नया चीज़ है, तो इस बार से नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। तो अब जब हमने इसमें यहाँ इस चीज़ भर दिया ना, तो आप इसको सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। जब हमने ड्राफ्ट सेव कर दिया, उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी फाइल में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में अभी बहुत ही इजी है। अभी देखिए, जो हम आगे की सीट में भरेंगे वहाँ से ये निकल के आएगा। अभी मान लीजिए मैंने सैलरी मेरी 10,000 रुपये भर दी, ठीक है, तो 10,000 रुपये यहाँ आ जाएगी, जो वाइट वाइट है वहाँ आप भर सकते हैं। यदि आप में यहाँ पे 1 लाख रुपए भर दी, तो वहाँ पे 1 लाख रुपए हो जाएगी यहाँ इस पोर्शन में, तो आपको जो सफ़ेद पोर्शन है वहाँ पे भरना हुआ है। अब आप नीचे आ जाते हैं, तो ये सैलरी पोर्शन आ गया। यदि आपकी 0 सैलरी है, तो 0 सैलरी भर दीजिए, जैसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब सैलरी पेंशन कई बारों को मिलती है, तो आप जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप लीव ट्रेवल अलाउंस जो फॉर्म 16 में आपके सब दिया रहता है, जिनके पास फॉर्म 16 नहीं यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे पिछले साल तक मैं भी भरता था वाइफ का, तो हम लोग ITR बनी भरते थे वाइफ के लिए, तो इसमें एनी अदर चूज़ कर ली थी, अदरवाइज कोई सा भी इसमें, ये सब आप देखेंगे ना, ये सब एग्जेम्प्टेड हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यदि सर सेलेक्ट कर लिया है एनी अदर, मैं गिफ्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया 100 रुपये की गिफ्ट, आपकी 1000 की भी हो सकती है। तो अब देखिए, जो चीज़ आ जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम ही आ जाती है माइनस में, तो उन्होंने 100 रुपये से ये माइनस कर दिया। यदि आप इसको 10,000 रुपये करोगे, तो 10,000 रुपये यहाँ से माइनस होगा, ध्यान 90,000 ऑलरेडी आ जाएगा। सैलरी पेंशन है आपने भरी होती तो वो आ जाता। देखो डिडक्शन अंडर ये है जो मेडिकल के लिए है, वो है, ये मैंने भरे हुए हैं, आगे मैं आऊँगा आपको DI में फॉर्म में बताऊँगा। तो जो जो आप फॉर्म भरेंगे, इनकम चार्जेबल जब डिडक्शन हट जाते हैं, तो 40,000 की हो जाती है। अब आते हैं B2 में, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपने इसको लेट आउट दिया, खुद रह रहे हैं, खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो भर दीजिए। लेट आउट है तो लेट आउट, हमने लेट आउट दे रखी है। 5,000 रुपये किराया आता, उसका 5,000 रुपये हमने किराया भर दिया। उसका अथॉरिटी का जो टैक्स भरते हैं, वो 2,000 रुपये के आसपास है, वो भर दिया। अब इसमें से जो 30% जो है ऑलरेडी इसका माइनस हो जाता है, जो डेप्रिसिएशन करके, तो अभी बचा 900 रुपये के आसपास बचा, क्योंकि 2,000 रुपये डिडक्शन हो गया, 3,000 था, तो आपकी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बनती नहीं। अब इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी
2100 रुपये है, क्योंकि 900 रुपये आपका 30% जो डेप्रिशिएशन हर साल मिलता है आपको एनुअल, उसमें से ऑटोमेटिक कट जाता है। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी एफडी है, बैंक के इंटरेस्ट हैं जो आपको पता नहीं रहते, बहुत सारे बैंक अकाउंट रहते हैं इंडियन में जो NRI वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आप पैसा खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको लोकल अकाउंट यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, मेरा ज़रूर देखें 3 मिनट के वीडियो में, इनकम टैक्स भरने के 7 अचूक फ़ायदे। एक फ़ायदा उसमें से ऐसा है जो आज तक किसी ने नहीं बताया है और जिससे आप 1 करोड़ रुपये तक बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो आपका ये टोटल इनकम जो है अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। ऊपर जो हमने डाटा भरे 43,000 रुपये हैं, अब हमें 2,50,000 रुपये तक का तो छूट है, ठीक है। अब ये हमको बीच बीच में बोलते रहता है भैया आप सेव कर लो, सेव करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम करते रहते हैं। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, जो तुमने बताया था 1/4 से लेके 31/7 तक आपने कुछ करा हुआ है सेविंग्स के लिए, बिकॉज आप कोरोना या पेंडेमिक के लिए तो आपने करा है, तो यहाँ यस कर दीजिए। यदि आप यस करोगे तो आगे के पेज में अपने को भरना पड़ेगा, मैं वहाँ भी आएंगे। तो हमारा नो था, नो कर दिया हमने। अब आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो आप सेविंग करते हैं प्रोविडेंट फंड में है, वहाँ कितना पैसा आपने लगाया वहाँ लगा दीजिए। जी मैंने 25,000 लगाया है तो मैंने 25,000 लिख दिया यहाँ पे। पेंशन का लिख दीजिए, ऐसा धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो देखिए आप जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाएंगे ना समझ में आते जाएगा है। अब यह मेंटेनेंस मेडिकल ऑफ डिपेंडेंट, इसके लिए आगे हम बताएंगे। यदि किसी का आपने कुछ पैसा लगाया हुआ है जो आपके डिपेंडेंट हैं, डिसेबिलिटीज वगैरह हैं पर्सन, तो वो आप भर दीजिए, हमारे केस में नहीं है तो छोड़ दीजिए। या मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ बड़ी किसी बीमारी के लिए कराए तो वो कराए, तो इसमें भी छूट है, लेकिन कितने तक की छूट है वो अपन आगे देखेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं सारा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाता है 18,100 की आपकी लाइबिलिटीज बनती है। अब जैसे कई बार किसी की एग्रीकल्चर से भी इनकम है, लेकिन 5,000 तक तो हम उसको इसमें भर देंगे, उससे ऊपर वाला है तो हम ITR 2 भरेंगे। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए वो हमने भर दिया हमने इनकम, तो अभी हम इसको ड्राफ्ट को सेव कर लेंगे भर के। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला 10 मिनट के अंदर हम इसमें भर देंगे। अब टैक्स डिटेल, यहाँ से आपका टैक्स डिटेल आना शुरू हो जाता है। फॉर्म 16 में दिया है, जो फॉर्म 16 नहीं है वो 26AS करके फॉर्म होता है, ट्रेस करके रहता है, उसकी मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो में, वहाँ जाकर क्लिक करना। यदि आप टैक्स ट्रेस में अपनी लॉगिन आईडी कर बना लेंगे तो वहाँ से 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको किसी बैंक से आपका इंटरेस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, FTD में कितना TDS कटा ज़रूरत नहीं है, जितना भी TDS जो भी कटता है ऑटोमेटिक वहाँ आ जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा 26AS कैसा होता है अभी। तो यदि आपको अभी देखना है तो मैं 26AS भी खोल के बता देता हूँ। देखिए 26AS ऐसा होता है, यहाँ पे ये देखिए पूरा ये इनकम में आरती की जो थी वो हमारे एक्सिस बैंक से 1,37,412 थी, तो उसमें उनका TDS कटा था 13,742 रुपये। तो जो हमने रिवर्स करवा दिया अभी, तो मैं आपको बताऊंगा जब उनका टैक्स मैंने भरा हुआ था तो ये वापस हो जाता है, तो वो चीज़ है। दूसरा है TCS, मैंने एक TCS पे वीडियो बनाया था, तो हमारा ऐसा किसी का कटा नहीं है। और सैलरी में जो फॉर्म 16 है वो अपन आप भर सकते हैं, TDS बन यहाँ भर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपका जो भी है 10 नंबर उसमें सब डिटेल लिखा रहता है, वहाँ से फॉर्म 16 से देखकर भर सकते हैं। दूसरा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यदि सैलरी के अलावा है जैसे कि इंटरेस्ट या जो था वो सब यहाँ भरा जाता है, जैसे डिटेल मैंने आपको बताया उसमें 26AS में भरा जाता है, पता चल जाता है। या फॉर्म 16A जो देते हैं बैंक भी आपको सब भेजती हैं फॉर्म 16A क्वार्टरली, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपके मिस होने की संभावना रहते हैं। तो बेटर है आप ट्रेस में एक ID बनाएं और वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक डिडक्शन आ जाते हैं, तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके वाला ही हमारे कोई ज़रूरत की चीज़ है नहीं है, यदि कुछ आपका एक्सपीरियंस ही हमारा है नहीं है और हमारा डिटेल्स TCS हमारा है नहीं, TCS का मैंने अलग वीडियो बनाया उस पर आप देख लीजिए। यदि है आपका कटा है फॉरेन आप जा रहे हैं तो 1 अक्टूबर से लाइव हुआ है कि 7 लाख रुपए के ऊपर में आपको 5% देना पड़ेगा, तो एज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप ये डाल सकते हैं। यदि आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है तो एडवांस टैक्स भी आप
भर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने केस में ऐसी कोई चीज़ बात होती नहीं जो नॉर्मल आदमी रहता है। अब अगर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ टैक्स पेड में देखिए आपकी कोई टैक्स की लाइबिलिटीज़ नहीं आती है, इसलिए सब 0 0 0 ही रखा है। लेकिन इन केस यदि आती है, क्योंकि 2.5 लाख तक का छूट है और आपकी इनकम कम है, तो आप बैंक डिटेल आप दे दीजिए यहाँ पे, किस बैंक में आपका पैसा आना है, तो मैं आरती का आपको भी बताऊंगा। तो देखिए उसके बाद लास्ट स्टेप यह है कि प्रदीप जैन आकर्षी के पिताजी हैं, इनका ये रिप्रेजेंटेटिव भरा है, खुद बच्चा इसलिए नहीं भर पाया, ये मैंने भोपाल करके ये फॉर्म आपका पूरा। अब इसमें आता है ई वेरिफिकेशन, तो आप ई वेरिफिकेशन तुरंत भी भर सकते हैं, उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैसे करना है, सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन है बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप 120 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप इसको चूज कर लीजिए। लीजिए अब बार बार याद दिला रहे हैं तो हम ये सेव कर लेते हैं, तो हमने ये ऑप्शन दिए भी आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन ए 120 डेज। तो कैसे करते हैं अभी मैं बता दूंगा आपको ई वेरिफिकेशन। तो ये हमारी प्रोसेस खत्म होने आ रही है, बस ये DI वो हो गया। यदि आपने 1 तारीख अप्रैल से लेके जुलाई तक में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ राइट साइड में जो है यहाँ पैसा आ जाता है यदि आप वहाँ डालते, तो बाकी आपका जो पैसा कुछ बनता नहीं है इसमें, दूसरे इनकम या डिडक्शन टैक्सेबल इनकम जो जो हमारी भर्ती है उस हिसाब से यहाँ पे आ जाती है वो अपने आप। इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब शेड्यूल 80D में आपका सेल्फ है, यहाँ भी पूछता है कि आपके घर में, ये ना पूछना शुरू किया कि फैमिली मेंबर जो है सीनियर सिटीजन है कि नहीं, यदि है तो आप यस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 तक का है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 के लिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर आप यहाँ डालेंगे तो अपने आप वो ले लेगा, उससे ज़्यादा डालोगे तो नहीं लेगा। देखिए नहीं, ये 5,000 तक का हो गया, यहाँ आप डालोगे जो भी अमाउंट डालोगे वो ले लेगा है। मेडिकल एक्सपेंडिचर यदि आप इधर डालते हो 50,000, तो ये इसका मैक्सिमम है, इतना पैसा आप इसमें ले सकते हो। लेकिन यदि ये केस में नो है तो आप उस केस में आप यहाँ पे नो कर दीजिए। वेदर एनी पर्सन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यस करना है तो ठीक है, नो करना है तो नो कर दीजिए। यस करोगे तो सेम आपको ऊपर वाली चीज़ें उतनी ही छूटें मिल जाएंगे, वो सब इसके पैसे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब हम 18G में आते हैं। आगे 18G में वो है यदि आपने कोई दान वगैरह किया हुआ है या डोनेशन कहीं दिया है, तो वो आप इसमें दे सकते हो डिटेल, तो उसमें भी आपको रिबेट मिल जाता है, सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग लिमिट जो भी उसकी रहती है उसके हिसाब से मिल जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ अपना फॉर्म खत्म हो गया। 18G डोनेशन और जो रूरल वगैरह डेवलपमेंट के लिए रहते हैं उस टाइप के डोनेशन, बस खत्म। ये हमने इतना कर लिया है, यहाँ हम सेफ ड्राफ्ट करेंगे, ये हमारा फॉर्म यहाँ खत्म हो गया। हम लेकिन भरने के पहले प्रीव्यू करेंगे उसको। अब देखिए इसमें सेल्फी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स कैन नॉट बी ए नॉन सीनियर सिटीजन, ओके, तो यहाँ भी हम नो कर देते हैं और यहाँ भी नो कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म में यदि कुछ गड़बड़ होती तो अपने आप बताता है, यस किया था तो हमको वहाँ भी नीचे भरना था। प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, ये बोलता है भाई कंटिन्यू सबमिशन फॉर्म कर पहले और चेक कर लो, है ना, क्लिक कैंसिल टू रिटर्न भाई करिए, हमको रेंज जानता, हम कहता ओके। तो ऐसा कुछ फॉर्म आपके पास आ जाएगा भरा हुआ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो इसको आप डाटा चेक कर लीजिए। यदि नहीं है तो फिर से आप इसको जाके वापस एडिट दबाएंगे तो इसको एडिट हो जाएगा, और सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। एक बार जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है उसमें, उसके बाद में जो हमने भरा है ई वेरीफाई रिटर्न, तो इसको ई वेरीफाई रिटर्न के लिए भी मैंने इसमें सबमिट नहीं किया है। ई वेरीफाई रिटर्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास तो इंटरनेट बैंकिंग में जाइए, अपना बैंक अकाउंट खोलिए, वहाँ सर्विसेज में जाइए, नीचे आएंगे टैक्स सर्विसेज आएगा, टैक्स सर्विसेज में आके वो आपको ई आपका इनकम टैक्स फाइल बोलेगा, वहाँ पे जाएंगे तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो यदि आपने भर दिया तो वहाँ दिखा रहता है ई फाइलिंग, तो आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपकी ई फाइलिंग हो जाएगी ख़त्म। जो पहले हम भर के भेजते थे बंगलोर और 120 दिन के अंदर पहुँचना चाहिए, वो सब चीज़ें अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनकम टैक्स रिटर्न देखो इस टाइप से भी आप कर सकते हो उसमें, तो लेकिन मैंने इसमें सबमिट नहीं किया था इसलिए आएगा नहीं, क्योंकि इसमें अपन ने सबमिट नहीं किया। अब मैं आपको बताता था कि आरती का रिटर्न, तो देखिए ये मैंने वाइफ का मेरी रिटर्न भरा हुआ था,
उनकी इनकम 27,000 वो आ रही थी सब डिडक्शन के बाद में, तो हमने 13,742 रुपये की यहाँ सेविंग की हुई है इस साल। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ITR 2 में, जहाँ मेरी इनकम करीब 50,000 रुपये के आसपास हमने सेव की हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 10 बिट हमें नहीं लगे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप शेयर करें और पूछते रहें, और हमारा चैनल चॉइसेस ऑफ प्रदीप भारती को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करेंगे तो और भी अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए नमस्ते, मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, और आपको इसमें बताऊँगा कि इनकम टैक्स क्यों भरना चाहिए, 7 अचूक फायदे इनकम टैक्स भरने के। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।